योजनाओं में कैसे बंदरबांट होती है और फिर योजना के नाम पर कैसे मजाक बनाया जाता है। जामताड़ा जिले का फतेहपुर प्रखंड से अभिजी केशरीनाथ की ये रिपोर्ट देखिए और समझिए इन बातों को। इस योजना का लेखा जोखा देखा। अब इसकी धरातल की तस्वीर देखिए। ये जामताड़ा जिले का फतेहपुर प्रखंड है। ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए बेजबिंधा गांव में 8000 लीटर और भेटापाड़ा में 12000 लीटर क्षमता वाली पानी की टंकी बनाई गई। लेकिन इससे पहले कि पानी की सप्लाई होती, टंकी से पानी रिसने लगा। लोगों का आरोप है कि काम में कोताही हो रही है, लेकिन संवेदक सुनने को तैयार ही नहीं। पोखरा में पानी नहीं है, तालाब सूख जाता है, कितना दिक्कत होता है गर्मी के दिन में। गाय पोस है, उसको भी दो बाल्टी खिलाएंगे। अब पाइप गड्ढा नहीं, एक बित्ता ऊपरे में दे देता है, गड्ढा करके पाइप देना चाहिए ग्रामीणों को। सिर्फ हम लोग को इतना ही जानकारी, अभी जानकारी हम लोग को चला कि टंकी बना, पहली बार इसमें पानी चढ़ाया, पहली बार में ही पानी छेद करने लग गया टंकी का, और इसका जो काम है बहुत ही खराब है। ठेकेदार काम कराए या विभाग, ग्रामीणों की बस एक ही मांग है, सही से काम कराया जाए और इन्हें पानी मिल सके, क्योंकि इनकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं। पानी गिर रहा टंकी से और पाइप भी अच्छा अच्छा नहीं घुस रहा है, और पानी कैसे घुसेगा? छोटा सा गांव है तो बढ़िया पाइप देना चाहिए, और उल्टा पाइप बिठाता है। पाइप तो उस टाइम हम लोग बोले जो पाइप हमको 40 फीट चाहिए, तो ठेकेदार बोले कि आप 10 आदमी का खाना बनाइएगा तो 12 आदमी को कहाँ से खिलाइएगा। तो बोले वो मेरा दायित्व है, आप पहले पाइप तो घुसाइए, जो ओरिजिनल पाइप नहीं दिया है हम लोग, और टंकी से पानी चू रहा है अभी। पानी की टंकी बनकर तैयार है, लेकिन इसमें कितनी अनियमितता बरती गई है ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं। ऊपर से पीएचईडी विभाग के लोग कुछ भी जवाब देने से बचते दिख रहे हैं। न्यूज 11 भारत के लिए जामताड़ा से केशरीनाथ की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।